नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ वक्त हो चला है 90 हल्के 90 खबरों का। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सरदार जसबीर भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा, सरकार में एमएसपी दर्ज केस वापस को लेकर वायदा खिलाफी की है। सरदार जसबीर भाटी ने कहा कि 31 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदर्शन और सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। अभी तक ना एमएसपी कमेटी को लेकर सरकार ने कोई बातचीत कही है, ना ही 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी को विरोध करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे निगम कार्यालय। कहा उन्होंने नगर निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने पूछा कि निगम कमिश्नर कार्यालय में मौजूद क्यों नहीं है। पिहोवा में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने की योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से कार्यालय में एक शिविर आयोजित किया गया। कैंप में युवाओं के ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन भरवाए गए। कैंप की विस्तृत जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में युवाओं की मदद करने के लिए तैनात टीम ने उनका पूरा मार्गदर्शन किया। महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में अधिकारियों की बैठक ली। सांसद धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी पहुंचने पर जिला उपायुक्त प्रदीप गोद्रा ने उनका जोरदार स्वागत किया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। नू विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों और किसानों के साथ लघु सचिवालय के सामने बेमौसम हुई बरसात के पानी की निकासी को लेकर धरने पर बैठ गए। बारिश से फसलों में भरने वाले पानी की निकासी और विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक और सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि बीते दिनों अत्यधिक बारिश के कारण मेवात जिले के खेत पानी से भर गए हैं, जिसका कारण वर्तमान फसल खराब हो गई है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। नांगल चौधरी के गांव बसने के बाद पहली बार जोहड़ा में नहर का पानी पहुंचा। जोहड़ में पानी देखने के लिए विधायक पहुंचे। हजारों की संख्या में महिला, बच्चे और बुजुर्गों का जन सैलाब उमड़ा। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और खुशी से झूम उठे। ग्रामीण महिलाओं ने भी डीजे पर डांस किया। 1 करोड़ की लागत से पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचा, इससे करीब 400 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। जींद जिले के नरवाना में केवाईएस संगठन ने प्रदर्शन किया। नरवाना के लघु सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान रेल मंत्री का पुतला फूंका गया। इसी के साथ रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। यूपी और बिहार में छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसका विरोध हुआ। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी इस घटना की जांच करे। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। तौशाम में खंडेश्वरी बाबा राजेंद्रनाथ ने अपनी मांगों को लेकर तौशाम थाने के बाहर धरना दिया। तौशाम पहाड़ी पर रहने वाले खंडेश्वरी बाबा राजेंद्रनाथ ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय पुलिस के थाने के बाहर धूना जलाकर धरना किया। वहीं राजेंद्रनाथ ने कहा कि उन्हें पहाड़ी पर रहते हुए काफी समय हो गया है और बार बार प्रशासन की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्हें तंग किया जाता है। जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाती, तब तक वह पुलिस थाने के बाहर अपना धरना निरंतर जारी रखेंगे। पानीपत रोहतक मार्ग पर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में 6 लोग घायल हो गए। वहीं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस दौरान हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। रोडवेज की बस रोहतक से सवारी लेकर चंडीगढ़ जा रही थी, जैसे ही बस पानीपत के गांव शाहरपुर पहुंच के पास पहुंची उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। अंबाला में काफी समय से एनडीसी की प्रक्रिया में अंतिम चरण के लिए लोगों को डायरेक्ट यूएलबी के कार्यालय पंचकुला में जाना पड़ता था, जिससे लोगों को बहुत भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस असुविधा का अब समापन हो गया है। अब हमारा नगर निगम डीएमसी स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाते हुए एनडीसी की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर पूर्ण करने के आदेश जारी हो गए हैं। हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद अब ऐसे बच्चों को मुख्य आधार से जोड़ने का काम करेगी जो किसी भी कारणवश स्कूल छोड़ चुके थे, अब वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर सर्वे करवाया जा रहा है। जिन गांव में ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, अब उन गांव में शिक्षा परियोजना ने स्कूल खोल दिए हैं। भिवानी जिले में ऐसे 6 स्कूल खोले गए हैं। ऐसे बच्चों की उम्र 14 साल से ज्यादा है और 19 साल तक है। ऐसे बच्चों को आईटीआई की तर्ज पर ही ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस और हेल्थ केयर सिखाने के ये 6 स्कूल भिवानी में ही खोले गए हैं। फतेहाबाद में दिन दहाड़े घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लेकर मामला सामने आया, वहीं जहां मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने महिला के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया, वहीं सीसीटीवी के आधार पर बाइक सवार युवकों की तलाश की जा रही है। बहादुरगढ़ के गांव डाबोदा खुद के एक 60 साल के बुजुर्ग की सोते समय लाठी डंडों और रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पता चला कि महेंद्र सिंह देर रात अपने घर से थोड़ी दूर पर घेर में सोने के लिए गया था, लेकिन रात को 3-4 हमलावरों ने उसकी लाठी डंडे और रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। गुरुग्राम शहर के मुख्य प्रवेश राजीव चौक पर यातायात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से मंथन किया जा रहा है। लोग आने जाने के लिए रॉन्ग साइड का प्रयोग करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। झज्जर के गांव कुलाना के पास एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल में भिजवाया, साथ ही ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नू थाने में तैनात एसपीओ रुकनमुद्दीन के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। आरोपी के करीब 2 साल पहले रुकनमुद्दीन के एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपहरण कर बलात्कार किया था और अश्लील वीडियो भी बना लिया था। पीड़िता ने बताया कि सदर थाना में एसपीओ के पद पर तैनात है और मेरे खिलाफ हो रही एक झूठी चोरी की दरखास्त भी दर्ज करा रखी है और मेरे परिवार वालों के ऊपर फैसला क्या दबाव बनाया जा रहा है। झज्जर में ओमिक्रॉन जैसी गंभीर महामारी के चलते सरकार ने आगामी 10 फरवरी तक नाइट लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन फिलहाल अब दुकानों को खोलने के और बंद करने के समय में राहत दी गई है। बाजार शाम 7 बजे तक खुले सकेंगे। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि सरकार ने दिशा निर्देश के अनुसार गाइडलाइंस को लागू किया जा रहा है। इसके तहत पहले जहां बाजार शाम 6 बजे खुलते थे, अब वही बाजार शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। पंजाब में काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर बिहार जा रहे थे, वहीं बस में सवार मजदूरों को करनाल के पास आरटीए विभाग की तरफ से उन्हें रोक दिया गया, तो बस के ड्राइवर के पास बस के पूरे कागज नहीं मिले।
बस आरटीओ विभाग के पास खड़ी है, मजदूर विभाग के दफ्तर के बाहर बैठे हैं और परेशानी बरकरार है क्योंकि उन्हें जाने का साधन नहीं मिल रहा है। ऐसे में विभाग के अधिकारी ने प्रवासी मजदूरों को आश्वासन दिया कि उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम एक बार शहर के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार के सौंदर्यकरण की तैयारी कर रहा है, लेकिन बाजार के व्यापारी भी इसे सही नहीं मानते। व्यापारियों का कहना है कि निगम की ओर से एक बार पहले भी इस तरह की तैयारी की गई थी, लेकिन निगम की ही लापरवाही के चलते बाजार का सौंदर्यकरण नहीं हो पाया। व्यापारी नेताओं का कहना है कि उस दौरान जो पेड़ गमले बाजार में लगाए गए वो बिना देखभाल के चलते खराब हो गए। इसके साथ ही बुजुर्गों के बनाए गए बैठने के स्थानों पर अतिक्रमण हो गया, जिससे जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ। पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए अभियान चला रहे हैं। यमुनानगर के डीएवी पब्लिक स्कूल में सर्व जागरूक मंच द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी कपिल मुनीष गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा सामाजिक संगठन वैक्सीनेशन के लिए भारी सहयोग कर रहे हैं, जिसके चलते यह लक्ष्य पूरा हो रहा है। जींद में आंगनवाड़ी वर्कर ने काला दिवस मनाया, काले कपड़े और काली चुनरी पहनकर पोस्टर किया, वही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया है। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर 48 दिनों से ज्यादा समय से धरने पर बैठे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सोनीपत में प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार आंगनवाड़ी वर्कर का हल्ला बोल जारी है। लघु सचिवालय सोनीपत के सामने चल रहे आंगनवाड़ी वर्कर के धरना प्रदर्शन पर सभी आंगनवाड़ी वर्कर ने काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाया है। सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करेगी उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। 8 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। नूह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिला संयोजक अंशुल सैनी भादस गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गरीब लोगों को कम राशन दिया जा रहा है। इस मौके पर 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे मिले, जिसकी शिकायत नगीना थाना में की गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने डिपो धारक के साथ दोनों इलेक्ट्रॉनिक कांटों को भी अपने कब्जे में ले लिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर उन्हें पूरा करने की मांग कर रही है। रेवाड़ी के सुभाष पार्क से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने विधायक लक्ष्मण सिंह को लेकर काफी रोष है, जिसको लेकर धरना स्थल पर विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि कल वह एक विरोध प्रदर्शन रेवाड़ी के सुभाष पार्क से कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के निवास पर विरोध किया। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांग को लेकर लगातार 51 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आंगनवाड़ी वर्करों ने काले कपड़े पहनकर रोष प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर से सरकार और प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। आंगनवाड़ी वर्कर जिला प्रधान सुनीता रामबास ने बताया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। सुनीता रामबास ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार
51 दिन से संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार ने इच्छुक संस्थानों से खेल नर्सरी खोलने के लिए आवेदन मांगे थे, जिससे कि रूट लेवल के खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। इसी कड़ी में गुरुग्राम खेल विभाग को 81 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला खेल अधिकारी राज यादव ने बताया कि इन आवेदनों की जांच की जाएगी, जिसके बाद विभाग के निर्देश के अनुसार इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही जिन संस्थानों ने आवेदन किए हैं, रतिया में वार्ड नंबर 7 के लोगों ने गली का निर्माण कार्य अधर में पड़ा होने के कारण नगर पालिका में खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे वार्ड की सभी गलियां बन चुकी हैं, लेकिन सिर्फ हमारी ही गली अभी अधर में लटकी हुई है। पिछले 1.5 साल से हमारी गली का निर्माण नहीं हुआ है। लोगों ने कहा कि यहां पर ना ही कोई पानी की निकासी का प्रबंध है, बारिश होती है तो बारिश का पानी सारे गली में जम जाता है, जिसके कारण हमें आने जाने में काफी परेशानी आती है। वार्ड वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम नगर पालिका का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। वारदात बहादुरगढ़ के दाबोदा खुर्द गांव की है। मृतक की पहचान 70 वर्षीय महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। एसपीएमएस यशवर्धन का कहना है कि वारदात प्राथमिक दृष्टि से लूट और हत्या की लग रही है, हालांकि हमलावरों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। हिसार में पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। पतंगबाजी बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी पसंदीदा शौक है। हांसी में हनुमान कॉलोनी निवासी बलजीत का 12 साल का बेटा अनुज गली में खेल रहा था। वही चाइनीज मांझा उसके पांव पर लिपट गया और टांग में कट लगने से उसकी नष्ट कर गई और वह लहूलुहान हो गया। उसके परिवार के सदस्यों ने किसी तरह मांझे को उसकी टांग से अलग किया। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी कहीं न कहीं चिंता उत्पन्न कर रही है। जिला हिसार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर 373 नए मामले सामने आए, जबकि आज भी 300 के ऊपर नए मामले सामने आए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। पानीपत में कोहरे का कहर देखने को मिला है। धुंध के चलते सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसकी वजह से एक बार कार नहर में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू किया। स्कॉर्पियो में सवार 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि हादसे में एक युवक नहर में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि कार में कैंसर पीड़ित को यूपी लेकर जाया जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम के बाजारों में व्यापारी से लेकर खरीददार तक बिना मास्क के घूमते नजर आए। आए दिन 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले, सबसे ज्यादा बड़ा कारण लापरवाही बताई जा रही है। करनाल में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला वेदपाल नाम के पटवारी को ब्लैकमेल कर रही थी। महिला ने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। ₹1,40,000 पटवारी खाते में डाल चुका था, पर पटवारी के परिवार वालों की शिकायत पर महिला को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार कर लिया।
झज्जर जिले के गांव में बीते 23 जनवरी को कस्बा बहु गांव का रहने वाला पवन का गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसी ब्लाइंड मर्डर का नाम दिया जा रहा है। वहीं 3 दिनों में ही इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। करनाल में सुपर मॉल में स्पा सेंटर में पुलिस की तरफ से रेड की गई। कई बार शिकायत मिल रही थी कि सुपर मॉल में स्पा सेंटर में गलत काम होता है, पर पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस ने कई युवतियों को हिरासत में लिया है। कुछ लड़कों को भी इस रेड से हिरासत में लिया गया है। सुपर मॉल में कई समय से कई मसाज पार्लर चल रहे थे। शिकायत मिली थी कि यहाँ पर गलत काम होता है, जिस पर पुलिस ने रेड मारी। पंचकुला में कोविड 19 के 244 नए मामले सामने आए। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार कोविड 19 से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई। इस समय 1456 कोविड 19 के एक्टिव केस हैं। पंचकुला में अवैध नशीली पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला इंचार्ज महेंद्र सिंह ने उनकी टीम ने अवैध नशीले पदार्थ के मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने 4 किलो 900 ग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए। आरोपी के खिलाफ अवैध नशीला पदार्थ रखने पर व्यक्ति के खिलाफ थाना पिंजौर में NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तौशाम के शहीदी पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का धरना जारी है। शहीदी पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने धरना दिया। धरने की अध्यक्षता मनोज ने की। जिला प्रधान राजबाला ने कहा कि जब तक सरकार आंगनवाड़ी का 2018 का समझौता जल्द से अरियर सहित लागू नहीं करेगी और आंगनवाड़ी की अन्य मांगे लागू नहीं होगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मॉडल टाउन सोनीपत में आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल वैन रोककर हंगामा किया। टायरों की हवा निकाली। अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में काफी देर तक ड्रामा होता रहा। इसी के साथ 90 हल के 90 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ।